हाय स्टूडेंट, मैं दिवाकर निषाद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल समझो पर ध्यान से। तो मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास टेंथ की साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा इस चैप्टर में मेन मेन पॉइंट क्या है और इसको कैसे समझा जा सकता है। आइए देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफिकल्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए स्टेबल आयन। ठीक है, तो कार्बन एटम ऐसा एटम है जिसके पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और कुल इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो हम जब भी जो है एक कार्बन को जैसे बनाते हैं, ठीक है, कार्बन का एक एटम जब बनाते हैं तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो गए? 6, और उसके आउटर ऑर्बिट में पहले वाले ऑर्बिट में 2 और सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टेबल आयन बनाने के लिए आप जानते हो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर पहले वाले में 2 है तो सेकेंड वाले में 8 होना ही चाहिए। ठीक है, तो 8 होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो लूज करने की स्थिति में क्या होगा कि इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर से 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन, बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आप लूज करेंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करेंगे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। मान लीजिए अगर बन ही जाता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ने निकाल लिया, बन गया, तो ये 6 प्रोटॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे, ठीक है ना, कितना बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे के साथ अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्यों अनस्टेबल होंगे? क्योंकि 6 प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही है और 2 इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज उतना है, बस प्लस और माइनस का फर्क। ठीक है ना, बस समझिए, 6 इलेक्ट्रॉन के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इतना होता है, तो ये 6 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा आवेश। तो ये चार्ज का जो डिफरेंस है ये इसको अनस्टेबल करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है इसका, इफ द कार्बन एटम गेन 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 6 प्रोटॉन अंदर है, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और लाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्यों रिक्वायर्ड होगी? अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ला सकते हैं तो वो भी अनस्टेबल होगा क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी 4 इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए। ये डिफरेंस देख रहे हो 6 प्रोटॉन का और फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कार्बन एटम जो है वो आयन बनाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इसमें कार्बन एटम को आयन बनाने के लिए, कि स्टेबल आयन बिल्कुल नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग ले लेंगे यहाँ से, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मीन्स होता है कि कार्बन के अलग अलग नेचर मतलब बहुत सारे नेचर होंगे इसके। ठीक है,
जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है उसकी टेट्रावेलेंसी और कैटिलेशन के कारण। ठीक है, टेट्रावेलेंसी क्या है? टेट्रावेलेंसी जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कितने हैं? चार। ठीक है ना, कार्बन के ऊपर जो चार हो, तभी तो सी एच फोर बनता है। ठीक है ना, सी एच फोर बनता है ना, तो सी एच फोर जब बनेगा मीथेन, तो उसमें चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, और वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। एथेन बनाता है तो एथेन में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तीन हाइड्रोजन इस एक कार्बन पे, तीन हाइड्रोजन एक कार्बन पे, तो फिर भी चार इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो, तो ये टेट्रावेलेंसी को शो करता है। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन क्या है कि कार्बन कार्बन आपस में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कैटिनेशन कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ के कारण ये क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को शो करता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना, कार्बन बहुत अधिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें आप लोग नोट्स के रूप में इसे लिख सकते हैं सब। ठीक है ना, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन को यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, जो मैंने बताया वही चीज़ है, देखो इसमें लिखा हुआ है टेट्रावेलेंसी कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ फोर, सो इट कैपेबल टू बॉन्डिंग विद फोर अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, मोनोवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी एक हो, जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन टू अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, वही चीज़ जो हमने आपको बताया। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉप्स मीन्स होता है कि उस मटेरियल के, उस पदार्थ के जो है कितने रूप हो सकते हैं, उस एलिमेंट के कितने रूप, कई रूपों में पाया जाना ही इलेक्ट्रॉप्स होता है। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी लेकिन फिजिकल फॉर्म अलग अलग रहेगी, इज नोन एज एलोट्रोपी। ठीक है, सम एलिमेंट लाइक कार्बन सल्फर फास्फोरस इट इज एग्जिबिट दिस फिनोमेना। तो इस एलोट्रोपी, एलोट्रोपी को शो करने के लिए कौन कौन से कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस, ये सब एलोट्रोपी शो करते हैं। उसमें पहला है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स का मीन्स हुआ कि जिसमें जो पार्टिकल है, ठीक है, जिस एलोट्रोप्स में पार्टिकल है कार्बन के ही, समझ लो कार्बन के जो ये दिया गया है हमें डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन के पार्टिकल होंगे वो अरेंजमेंट उनका रेगुलर होगा। ठीक है ना, रेगुलर मीन्स हुआ जैसे मान लीजिए आप प्रेयर में सब लोग खड़े होते हो, तो प्रेयर में सब लोग लाइन बनाते हैं, बना देखते हो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। फिर हमने अगर बुला लिया प्रेयर में सबको, और प्रेयर में सब लोग ऐसे ना खड़े होकर ऐसे ही खड़े होकर बिना लाइन के, तो बिना लाइन के जब आप खड़े होंगे तो वो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके हैं। एमारफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन इंक्लूड कोल, चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन। तो ये एमारफस एलोट्रोप्स होते हैं, उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। ठीक है, आइए अब इसके एग्जाम्पल के रूप में अच्छी तरीके से समझते हैं आगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं डायमंड के रूप में। डायमंड हैज ए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो डायमंड हमने आपको बताया कि ये क्रिस्टल का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हमने बताया कि उसमें रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू द फोर नाइबरिंग कार्बन एटम वाया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्टिंग इन सिंगल यूनिट। दीज क्रिस्टलाइन यूनिट लाई इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन यूनिट डिफरेंट प्लेन में वेरी करते हैं एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कनेक्ट होती है रिजल्टिंग इन रिजिड थ्री डायमेंशनल क्यूबिकल पैटर्न ऑफ द डायमंड। ठीक है, क्यूबिकल पैटर्न बनाते हैं ये, तो क्यूबिकल पैटर्न आप लोग देख ही रहे हो ये बनाने, और एक
कार्बन इसमें सेंटर में आप लोग देख रहे हो, ठीक है। उसके चारों ओर ये भी जो येलो कलर के हैं ये भी कार्बन ही है, ठीक है। तो कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड के रूप में अटैच होता है, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बन जो जुड़ेगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक ये यहाँ, यह पीछे, ठीक है, और एक इधर, ठीक है। ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में जुड़ा हुआ, ठीक है। आइए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हैज ए हाई डेंसिटी ऑफ 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी होगी इसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी 2.5 होती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगला एरो ड्रॉप्स देखते हैं। तो ग्रेफाइट में देख लेते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली टू थ्री अदर कार्बन एटम्स लीविंग ईच कार्बन एटम विद वन फ्री वैलेंसी, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हो कि हर कार्बन जो है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, हर कार्बन जो है अपने तीन तरफ से, ठीक है ना, तीन तरफ से, तीन कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो इसने ये कहा कि एक जो है वन फ्री वैलेंसी, ठीक है, एक फ्री वैलेंसी इस पे पड़ी हुई है और तीन कार्बन इससे अटैच होती है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन हेक्सागोनल रिंग्स, ये हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सा मीन्स सिक्स कार्बन, ठीक, चार कार्बन, ये हेक्सागोनल रिंग बन रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है ना, तो हेक्सागोनल रिंग बन रही है इन ए सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में, ठीक है ना। सच रिंग स्टैक ओवर ईच अदर थ्रो वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो रिंग है आपस में देखो, एक प्लेन ये है, ठीक है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन ये है, ठीक है। तो ये आपस में किससे, वीक वंडरवाल फोर्स से जुड़े हुए, वीक वंडरवाल बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। तो आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इट हैज़ डेंसिटी ऑफ 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। हैज़ ए सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील, ठीक है। तो डेंसिटी देखो कम हो गई है इसकी, तो ये उतना हार्ड नहीं होगा। एंड हैज़ ए सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील आप लोग देखते हैं ग्रेफाइट में होता है, जो पेंसिल की नोक होती है। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो नेक्स्ट है हमारा कार्बन 16, जिसको हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरिन भी बोलते हैं, ठीक है। इस वेरी पॉपुलर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ द नॉन फ्लोरिन्स, ठीक है। जितने भी नॉन फ्लोरिन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। तो ये नेचुरली हम लोग देखते हैं चिमनियों में, देखते हैं चिमनी जो होती है, चिमनी में जो कालिक होती है, ठीक है, या फिर गांव में जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, उसमें कोई बर्तन रखते हैं उसके ऊपर भी जो कालिक आ जाती है, तो वो यही होती है, कार्बन 16 ही होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग फ्लोरिन एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वान्टिटीज इन सूट, जो सूट मीन्स होता है चिमनी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम अरेंज्ड इन 12 पेंटागन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन 12 पेंटागन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, पेंटागन कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पेंटागन भी बन रहे होंगे। ये देखिए इस फिगर में, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या है, पेंटागन बन रहा है इसमें, ठीक है। और क्या बन रहा है, 20 हेक्सागोन भी बन रहा है। तो इसमें ये वाला पार्ट हेक्सागोन, ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या है, पार्ट क्या है, हेक्सागन है। तो 60 कार्बन इसमें 60 कार्बन अरेंज्ड होते हैं एक बॉल के रूप में, ठीक है, लाइक इन ए सोशल बॉल, ठीक है ना। तो इस रूप में ये अरेंज होगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से याद रखिए, याद करिए, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट में जो है आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद जय भारत।